पीएम मोदी को लेकर नरसिम्हा राव की होश उड़ा देने वाली भविष्यवाणी। पाकिस्तान को लेकर क्या कह गए नरसिम्हा राव? क्या इस्लाम पर मंडरा रहा है खतरा? क्या इस्लाम ही बनेगा इस्लाम के खात्मे का कारण? कैसे दुनिया भर में गूंजेगी सनातन की गूंज? क्या योगी आदित्यनाथ होंगे भारत के अगले प्रधानमंत्री? आखिर कैसे पीएम मोदी जीत कर भी नहीं रहेंगे प्रधानमंत्री? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सनातन की वीडियो YouTube चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। एक वक्त था जब रूस के व्लादिमीर पुतिन दुनिया के सबसे चहीते, मजबूत और प्रभावशाली राजनेता हुआ करते थे, लेकिन ये वक्त है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। पीएम मोदी आज वो हस्ती बन चुके हैं जिनके प्रशंसक और आलोचक दोनों ही की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। पीएम मोदी को आज दुनिया भर में पसंद किया जाता है। विश्व भर में पीएम मोदी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। विश्व पटल पर भारत और हिंदू धर्म को असली पहचान दिलाने के पीछे भी मोदी का संघर्ष, उनका प्रभावशाली व्यक्तित्व और मेहनत ही है। ये उनका वर्चस्व ही है कि भारत को आने वाले समय में ग्लोबल लीडर के रूप में इमेजिन किया जा रहा है। लेकिन भारत ग्लोबल लीडर बनने की यह रेखा 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से होकर गुजरेगी। ऐसा शायद पहली बार है जब भारत के आम चुनाव पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं। कौन होगा अगला पीएम दावेदार? किसके हाथ में होगी भारत की कमान? ऐसे सवाल आज देश ही नहीं पूरी दुनिया के मन में उठ रहे हैं और इसका जवाब दिया है नरसिम्हा राव ने। लेकिन इस जवाब को जानने से पहले वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप भले ही ना जानते हों लेकिन अमेरिका में रहने वाले नरसिम्हा राव अपनी भविष्यवाणियों, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए दुनिया भर में फेमस हैं। पेशे से इंजीनियर रहे नरसिम्हा राव ने IIT मद्रास से अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी की है और ये टेक्नोलॉजी के साथ साथ संस्कृत और हिंदी के विद्वान माने जाते हैं। साथ ही ये ज्योतिष विज्ञान के भी ज्ञाता हैं और अपने ज्योतिषी ज्ञान के चलते इन्होंने जगन्नाथ होरा नाम से एक ऐप भी लॉन्च किया है। आज नरसिम्हा राव की बदौलत ही अमेरिका जैसे देशों में सनातन का तेजी से प्रचार प्रसार हो रहा है। इन्होंने न सिर्फ कई विदेशियों को सनातन से जोड़ने का काम किया बल्कि सनातन की शक्ति पवित्रता से लोगों को रूबरू भी कराया। इन्होंने अब तक कई भविष्यवाणियां की है जो सटीक साबित हुई हैं। साल 2024 में पीएम मोदी को लेकर नरसिम्हा राव ने कई भविष्यवाणियां की, जैसे साल 2024 का ये साल भारत के लिए सफलता और असफलता से भरा रहेगा, अर्थ साल 2024 में भारत एक और सफलता की सीढ़ियां चढ़ेगा तो वहीं कुछ ताकतें उसे पीछे खींचने का काम भी करेंगी। साथ ही कई नए कामों में भारत को असफलता का सामना भी करना पड़ेगा। इस दरमियान सत्ताधारी बीजेपी को तमाम मुश्किलों से होकर गुजरना पड़ेगा। अराजक तत्व भी अपने मंसूबों में कामयाब होंगे। देश में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ेंगी, आंतरिक दुश्मन की साजिश भी होगी, साथ ही बीजेपी की सत्ता पर भी खतरा मंडराएगा। लेकिन अंत में बीजेपी सभी को हराते हुए सत्ता वापस हासिल करेगी। वहीं बात करें 2024 के लोकसभा चुनाव की तो नरसिम्हा राव कहते हैं कि 2024 में होने वाले चुनाव में एक बार फिर पीएम मोदी की ही जीत का झंडा फहरेगा, लेकिन वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे बल्कि कार्यकाल के बीच में ही सत्ता की चाबी योगी को सौंप देंगे, जिसके बाद बीजेपी को अगले एक दशक तक हराना असंभव हो जाएगा। जी हाँ, साल 2024 में होने वाले चुनाव में नरसिम्हा राव एक बार फिर लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीतने की भविष्यवाणी कर चुके हैं, लेकिन वो अपने ये कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे, जिसका मुख्य कारण है पीएम मोदी की उम्र और स्वास्थ्य। न सिर्फ नरसिम्हा राव बल्कि भविष्य मलिका जैसे महान ग्रंथ के अनुसार भी पीएम मोदी तीसरे कार्यकाल को अधूरा छोड़ देंगे और स्वेच्छा से भारत की कमान एक योगी पुरुष के हाथों में सौंप देंगे। पीएम पद छोड़ने के बाद पीएम मोदी या तो राष्ट्रपति का पदभार संभालेंगे या फिर आध्यात्मिक दुनिया में अपना नया ठिकाना बनाएंगे। यहाँ योगी पुरुष कोई और नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ होंगे, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो सांसारिक जीवन से दूर आध्यात्मिक और राजनीतिक दुनिया में अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं, जिस वजह से उन्हें हर कोई पसंद भी करता है और आने वाले समय में ज्यादातर लोग योगी आदित्यनाथ को भारत देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखना भी चाहते हैं।
जबकि कुछ लोग पीएम मोदी को ही सीट पर देखना चाहते हैं। हालांकि नरसिम्हा राव के अनुसार अगर योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बनते हैं तो फिर विपक्षियों के लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आने वाले एक दशक तक भारत की राजनीति से बीजेपी को हटा पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। खैर, सत्ता किसके हाथ में होगी यह आने वाला भविष्य ही तय करेगा। लेकिन नरसिम्हा राव समेत अच्युत्यानंद दास महाराज, नास्त्रदमस और कई महान भविष्यवक्ता 2024 में लगातार पीएम मोदी के तीसरे बार जीतने की भविष्यवाणी कर चुके हैं। खैर, नरसिम्हा राव ने सिर्फ पीएम मोदी को लेकर भविष्यवाणी नहीं की, बल्कि उन्होंने भारत के पड़ोसी देश और अन्य कई मुद्दों पर भी अपनी राय दी। जैसे पाकिस्तान के लिए उनकी भविष्यवाणी को देखें तो 2024 के आखिर में पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे, खंड खंड हो जाएगा पाकिस्तान, जिसमें से पीओके भारत में वापसी करेगा। वहीं भविष्य में होने वाले युद्ध के बाद भारत और इजराइल दोनों देश विश्व शक्तियों के तौर पर सबसे ऊपर नजर आएंगे। पाकिस्तान के हालात वर्तमान समय में कैसे हैं ये किसी से छुपा नहीं। वहां के लोग, सरकार किस दौर से गुजर रहे हैं ये हर कोई जानता है। ऊपर से आतंकवादी गतिविधियां भी देश में पैर पसार रही हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो नरसिम्हा राव की पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने को लेकर की गई भविष्यवाणी सच हो जाएगी। इसका उदाहरण देखें तो बलूच लोग अलग ही बलूचिस्तान की मांग कर रहे हैं, जबकि सिंध प्रांत के लोग अलग ही देश सिंधु देश की मांग कर रहे हैं, जबकि गिलगित बाल्टिस्तान, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का उत्तरी इलाका है, यहाँ भी लंबे समय से अलग देश की मांग चल रही है। ये चाहते हैं कि सब बलवारिस्तान नाम का एक देश बना दें, यानी अगर पाकिस्तान टूटा तो कई हिस्सों में टूटेगा और पाकिस्तान का नाम हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और पीओके वापस भारत का होगा। वहीं इजराइल और भारत के शक्तिशाली देश के रूप में उभरने की बात है तो इजराइल, जो ईरान और लगभग हर मुस्लिम देश की रडार पर है, उसकी शक्ति, हिम्मत और काबिलियत की दांत देनी पड़ेगी। अपने लोगों पर हुए जुल्म के लिए वो बराबर आवाज बुलंद किए हुए है, फिर चाहे बीच में कोई भी आए। वहीं भारत को तो दुनिया विश्व गुरु के रूप में देख रही है, कहीं ना कहीं भारत भी इस सफर पर चल पड़ा है। हालांकि इस सफर में चीन भारत के लिए परेशानियां खड़ी कर सकता है। नरसिम्हा राव के अनुसार 2024 में चीन भारत के खिलाफ परेशानियां खड़ी करने में कामयाब रहेगा, इसलिए जरूरी है कि चीन को अभी से कंट्रोल में रखा जाए। चीन की घुसपैठ, भारत के खिलाफ षड्यंत्र और गलवान घाटी में हरकतों को तो हम जानते ही हैं, और इन दिनों चीन किस मूड में है ये मालदीव्स की हरकतों को देखकर भी पता लगाया जा सकता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि चीन को हल्के में ना लेकर उसके खिलाफ भारत तैयार रहे। नरसिम्हा राव की अगली भविष्यवाणी में इस्लाम छुपा हुआ है। उनके अनुसार 2040 तक इस्लाम धर्म का पूरी तरह से अंत हो जाएगा। इसकी वजह इस्लाम में फैली कट्टरपंथी सोच और बेसर पैर की नीतियां होंगी, जिनसे परेशान होकर मुस्लिम इस्लाम को छोड़ नास्तिक बनेंगे, और इसके अलावा सनातन का पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार होगा, क्योंकि सनातन धर्म इन नास्तिकों और वैज्ञानिक मूलों को संतुष्ट करने के लिए सफल होगा। इस तरह आने वाला युग सनातन का होगा, दुनिया सनातन को अपनाना शुरू कर देगी, जिसके चलते भारत की ताकत बढ़ती चली जाएगी और भारत विश्व गुरु के तौर पर दुनिया का नेतृत्व करेगा। हालांकि इस बीच दुनिया में खराब अर्थव्यवस्था, अस्थिरता और नास्तिकता का दायरा बढ़ जाएगा, लेकिन 2030 तक सनातन धर्म में ये सभी समस्याएं समाहित हो जाएंगी और दुनिया सनातन के रास्ते खुद को बदलेगी और सनातन हो जाएगी। लेकिन दुनिया भर में सनातन की लहर दौड़ने से पहले दुनिया को विश्व युद्ध से भी होकर गुजरना होगा। जी हाँ, अन्य भविष्यवक्ताओं की तरह नरसिम्हा राव ने भी अपनी भविष्यवाणी में विश्व युद्ध का संकेत दिया है। साथ ही यह दावा किया है कि इस युद्ध में योगी की एक बड़ी भूमिका देखने को मिलेगी। खैर, आप इस मामले में क्या राय रखते हैं? आपको क्या लगता है 2024 में कौन जीतेगा, कौन भारत का प्रधानमंत्री होगा, क्या विश्व युद्ध होगा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।